अपने आवाम से फ्रॉड के केस में बी फॉर यू के मालिक सैफुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार कर लिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुलकरनैन इकबाल से। जुलकरनैन बताइएगा इस बारे में। देखिए सैफुर रहमान खान जो बी फॉर यू कंपनी के मालिक हैं और आवाम के साथ एक मुबैना फ्रॉड का इनके ऊपर नैब में मुकदमा चल रहा है। इनको सुप्रीम कोर्ट आज जब भी आए तो बार पार्किंग से आते से इनको गिरफ्तार कर लिया गया नैब की टीम की जानिब से, जिस पर इनके जो वकील है लतीफ खोसा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। काम में काम चीफ जस्टिस के बेंच में उन्होंने बताया कि आज उनकी जमानत के लिए हमने केस फिक्स कर रखा था, तो हम जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए आए थे, लेकिन नैब हुकाम ने उनके साथ उनको दस्तंदाजी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। लतीफ खोसा का ये भी कहना था कि सैफुर रहमान उनके मुआविन वकील की गाड़ी में थे जिसको नैब की गाड़ी के जाने पर हिट किया गया और जबरदस्ती उन्हें ठाकर गिरफ्तार लेके जबकि वो सरेंडर करने आए थे। इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब से न सिर्फ वजाहत तलब की बल्कि ये भी कहा कि अब एक मुलजिम सरेंडर करने अदालत में आ रहा था तो नैब ने उसको गिरफ्तार क्यों किया। अब फौरी तौर पर अदालत ने हुक्म दिया है कि जो मुलजिम सैफुर रहमान है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब की जानिब से पेश किया जाए। जी बहुत शुक्रिया जुलकरनैन इकबाल आपका।